देश दुनिया के इतिहास में 9 फरवरी का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे के निधन समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। 1667 में आज ही के दिन पोलैंड और रूस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन 1801 में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच लुनेविल्लई शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1824 में आज ही के दिन 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्ता ने ईसाई धर्म अपनाया था। भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्णन नायर का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। आज ही के दिन 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। 1941 में आज ही के दिन लीबिया के तटीय शहर अल अघीला पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा किया था। आज ही के दिन 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया था। 1962 में आज ही के दिन स्वतंत्र देश बनने के लिए जमैका ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्रा का जन्म आज ही के दिन 1970 में हुआ था। मैग्रा ने 124 टेस्ट मैच में 563 जबकि 250 वनडे में 381 विकेट लिए थे। आज ही के दिन 1973 में बीजू पटनायक को उड़ीसा की राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया था। 1975 में आज ही के दिन रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज 17 अंतरिक्ष से 29 दिन बाद धरती पर वापस लौटा था। पूर्व सोवियत संघ के नेता यूरी एंड्रोपोव का निधन आज ही के दिन 1984 में हुआ था। वे सोवियत संघ की गुप्तचर सेवा केजीबी के प्रमुख भी रह चुके थे। आज ही के दिन 1992 में अल्जीरिया के संसदीय चुनावों में इस्लामी प्रवृत्ति वाले धड़े की भारी सफलता के बाद सत्तासीन सैनिकों ने चुनावों के परिणामों को निरस्त और अल्जीरिया इस्लामी मुक्ति मोर्चे को गैर कानूनी घोषित किया था। 1991 में आज ही के दिन लिथुआनिया में मतदाताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मतदान किया था। आज ही के दिन 1999 में भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2007 में आज ही के दिन पाकिस्तान की विपक्ष पार्टी जमायती उलेमा इस्लामी ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट से हटा दिया था। कुष्ठ रोगियों के देवता और महान सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे का निधन आज ही के दिन 2008 में हुआ था। आज ही के दिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ताज और उसके आसपास के अवैध निर्माण पर यूपी सरकार को नोटिस दिया था। 2010 में आज ही के दिन भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी। भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता और पटकथा लेखक ओपी दत्ता का निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।